Bye.
Thank you.
I'm not a fool.
ब्लाउज बाहर रखा है, एक गोल्डन ब्लाउज अंदर रखा था, याद है? Thank you.
राधा प्रेम राधा पामने Thank you.
नरसिंहा महे नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहा मादिम शरणम प्रपद्ये। भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरंग मध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सनि गौर भक्तवृंद। बोलो, वहाँ साउंड नहीं आ रहा, सब लोग लिख रहे हैं? नहीं, सब लोग लिख रहे हैं? अच्छा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको सुनाई पड़ रहा है? सबको सुनाई पड़ रहा है? अगर नहीं सुनाई पड़ रहा तो यहाँ आ जाओ, कथा सुन लो और उसके बाद फिर प्रसाद दे दिया जाएगा, भंडारा, ठीक है? और खाली हाथ मत आना, प्रसाद लेकर आना। अरे आपके कारण हमको भी मिल जाएगा, ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि ये जैसे सब लोग कथा सुनते हैं पूरे संसार में, डिजिटल कथा फेसबुक पर, ऐसे वहीं से कुछ प्रसाद भी भेज दें और यहाँ से हम लोग ले लें, ऐसा भी कोई ज़माना आएगा कि वहीं से डाल दिया परौंठा गरम गरम और यहीं से निकल आया, रबड़ी रसमलाई देसी घी का हलवा, हाँ पोहा इडली वहीं से डाल दिया और यहाँ से आ जाए, ये भी एक ज़माना आएगा, आएगा ना? हरे कृष्ण। चलो ठीक है, शिष्य भक्ति सामित सिंधु बिंदु शिला विष्णु चक्र ठाकुर जी हमको ज्ञान के साथ साथ विज्ञान की भी शिक्षा दे रहे हैं। और जहां पर विज्ञान की शिक्षा की बात आती है तो वहां पर माया तत्व का निरूपण होता है। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को क्या बताया, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, ज्ञान भी दिया और विज्ञान, और जहां पर विज्ञान की बात आई तो क्या कहा, ऋते अर्थम यद प्रत्येत न प्रत्येत च आत्मनि तद विद्या आत्ममाया यथा भासो यथोतमः। माया तत्व के संबंध में जब नारद जी ने वेदव्यास जी को शिक्षा प्रदान की, उसमें भी चार श्लोक हैं। ये चार श्लोक का बड़ा सुंदर क्रम है भागवत जी में, कितनी जगह पर ये सेट है चार श्लोकों का, कहाँ कहाँ बोलते चतुर्श्लोकी भागवत, या तो चार है या फिर छह है, या तो चतुर्श्लोकी भागवत में चार श्लोकों का वर्णन आया, फिर वृतासुर जी के उदाहरण में भी। चलो एक साथ बोलोगे सब, चतुर्श्लोकी भागवत जोर से, जिनको आता है वो भी उच्चारण करें हमारे साथ। अहम एवासाम एवाग्रे नान्यत् सत् असत् च परम पश्यत् अहम यो अवशिष्यति यो एतच्च अवशिष्यति सो अस्मिन् अहम ऋते अर्थम यत् प्रतेत न प्रतेत च आत्मनि तद् विद्या आत्ममाया यथा भासो यथोतमा यथा महंती भूतानि
भूतचे चुचेशनु प्रविष्ट्यानि अप्रविष्ट्यानि तथा देशो न देशहम एताद एव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासं नात्मनम अन्वयव्यतिकारेण यस्य सर्वत्र सर्वदा। चार श्लोक वृत्तासुर जी के, चार श्लोक, ये पूरा सेट है चार चार का। क्या कहते हैं, अहम हरे तव पादेक मूलो दासनो दास भवतास्मि भूय मन स्मृते वह करो तु काय न नाक प्रेष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि व पुनर्भवम व समंजस्य तव विरह आकांक्ष से अजात पक्ष एव मात्र खग सतन्य यथा वस्त्र खुदार्थ प्रियम प्रियम विष्णे मनोरविंदाक्ष दीक्षते त्वम। फिर ममुत्तम श्लोक जनेशु सख्यम संसार चक्र भ्रमत स्वक तन्माय आत्मजम ननात भूयात। चार श्लोक उसी प्रकार नारद जी ने जब वेद व्यास जी को शिक्षा प्रदान की उसमें भी चार श्लोक का ही उच्चारण किया। भक्ति योगेना मनसी सम्य प्रतिपमले अपश्य पुरुषम पूर्णम मायास्तत पराश्रय या समोहित जीवा आत्म त्रिगुणात्मकम। और क्या नहीं, फिर अनर्थोपशम साक्षात भक्ति योग उपासितम। क्या उसके बाद, अच्छा फिर यस्य वै शून्य मायानम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पत्ति पुंसाम शोक मोह भय भय। चार 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 तो ये क्रम है। तो इसी प्रकार वहाँ पर जैसे तद पदार्थ तुम पदार्थ का महत्व है, श्री कृष्ण के ज्ञान का एवं जीव तत्व के ज्ञान का जो महत्व है, साथ ही साथ वहाँ पर माया तत्व का भी उतना महत्व है। इसलिए उसको क्या कहा, विज्ञानम, वे विज्ञान है। और माया से पार होने का उपाय, जैसे कल हम लोगों ने श्रवण किया, तद विपर्ज्यो स्मृति तद माया आत्मजो। कहां से आरंभ हुआ, भयम द्वितीय विनेश, द्वितीय विनेश होने से, अर्थात कौन से ऐसे प्रकार हैं जिससे द्वितीय विनेश होता है। उसके संबंध में अब चक्रवर्ती ठाकुर जी यहां पर बतला रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति का एक ऐसा समुद्र है जिसको पार करना बड़ा दुष्कर है, परंतु श्री गुरुदेव की कृपा से और भजन उन्मुखी वृत्ति के माध्यम से, जैसे एक बछड़ा एक छोटे से खड्डे को भी, जो खड्डा कितना खुर के समान, उसको पार कर लेता है, ऐसे ही मम एव ये प्रबलन्ति माया पिताम तरन्ति ते। अच्छा भगवत गीता जी में भी चतुर्श्लोकी है, वहां से आरंभ होगी, कहां से, अहम सर्वस्व प्रभो, वहां पर भी चार श्लोक है। अच्छा इसलिए भाई अनर्थ निवृत्ति का जो बहुत बड़ा समुद्र है जिसके लिए बहुत प्रयास प्रयत्न करना पड़ता है, वह अनर्थ अनर्थ बोलते अर्थ का अनर्थ कर दिया। अर्थ का मतलब प्रथम अभिनिवेश से द्वितीय अभिनिवेश हो गया। वे अनर्थ चार प्रकार के हैं, इसको भी जानना उतना ही आवश्यक है, स्वरूप ब्रह्म, असत तृष्णा, अपराध और हृदय दुर्बल्य।
ये चार हैं, परंतु इसके भी फिर आगे चार चार भाग हैं। आज चार दिन है, चार का ही दिन है आज। स्वरूप ब्रह्म चार प्रकार के होते हैं। विस्तार से भजन रहस्य में इसका उल्लेख है। स्वरूप ब्रह्म भी चार प्रकार के हैं, स्वतत्व परतत्व च साधन साधु तत्व। अर्थात स्वतत्व जीव स्वरूप का के प्रति ब्रह्म है, ये एक अनर्थ है। हम कौन हैं इसके संबंध में पता नहीं। विस्तार से पीछे से सुनेंगे, सिर्फ सुन लीजिए। अपने जीव स्वरूप के प्रति ब्रह्म, परतत्व भगवान के प्रति ब्रह्म के संबंध में ब्रह्म, साध्य साधन तत्व के प्रति ब्रह्म, और फिर माया तत्व के प्रति ब्रह्म, फिर असत तृष्णा, ये भी चार प्रकार की है। लौकिक भोगों की विविध लालसाएं, इस संसार के नाना प्रकार के भोगों को भोगने की विविध प्रकार की लालसाएं। दूसरा स्वर्ग आदि परलौकिक भोगों की लालसाएं, ऊपर के लोग प्राप्त हो जाएं, ऊंचे लोग प्राप्त हो जाएं, क्यों और भोग होगा। तीसरा अष्ट सिद्धि और नव विद्यों से उत्पन्न भोगों की लालसाएं, और चौथा मुक्ति की लालसा। तार मध्य मोक्ष वांछा कई तो प्रधान, ये चार प्रकार की असत तृष्णा। तृष्णा तो होती है और तृष्णा होनी भी चाहिए, और तृष्णा तो होगी ही क्योंकि चेतन जीव है, परंतु सत तृष्णा ना होकर असत तृष्णा हो बैठती है। क्यों हो बैठती है, वही फॉर्मूला लगेगा, भयम द्युत विनेश, असत तृष्णा। और जो सत तृष्णा, जैसे कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, साधक और भगवत परिकर में क्या अंतर, क्या भेद, तो यूं तो बहुत भेद है, परंतु उनकी सत तृष्णा और हम लोगों की असत तृष्णा, बद्ध जीव की असत तृष्णा, मुक्त महापुरुष की सत तृष्णा। गौरी दास करत आश सर्व जीव उद्धरे, गौरी दास प्रार्थना कर रहे हैं सारे जीवों का उद्धार हो, तृष्णा तो है, परंतु वह तृष्णा कौन से तात्पर्य में है। सर्व जीव उद्धरे, सारे जीवों का उद्धार हो, कल्याण हो जाए। प्रहलाद महाराज की भी एक तृष्णा है, सारे जीवों का उद्धार हो जाए। प्रायण देव मुनियो समुक्ति कामा, मौनम चरांत विजने न परार्थ निष्ठा, मैं कृपण नहीं हूं, सबका उद्धार हो, ये भी तृष्णा है। और कबे हबे बोलो से दिन अमार, वो दिन मेरे जीवन में कब आएगा, ये तृष्णा है कि नहीं। यही वास्तव में प्रथम तृष्णा अर्थात सद तृष्णा। और इसी का परवर्टेड फॉर्म, इसका जो विपरीत, इसका जो विवर्त है, विवर्ति तो कहेंगे, विवर्त का अर्थ क्या, वो थे जो ऑपोजिट है और जहां पर भ्रम का अवकाश है, ये असत तृष्णा। तो इस जगत की तृष्णाएं नाना प्रकार की, और जिसका कोई अंत नहीं, जैसे भगवान अनंत हैं ऐसी हमारी तृष्णाएं भी अनंत हैं। उसी के लिए फिर हरि कथा भी अनंत वाली चाहिए, बराबर का ना। तो इस लोक की और परलोक की इच्छा, फिर सिद्धियों की लालसा और मुक्ति की लालसा, ये सब। फिर अपराध भी चार प्रकार के, भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति अपराध, कृष्ण नाम के प्रति अपराध, 10 नाम अपराध बतलाए, कृष्ण के स्वरूप अर्थात श्री विग्रह के प्रति अपराध,
और चित्त कण जीवों के प्रति अपराध, ये चार प्रकार के अपराध हैं। हृदय दुर्बल्य भी चार प्रकार के, कौन सी बोलते हैं, तुच्छ आसक्ति, तुच्छ आसक्तियां, कूटी नाटी, कु मतलब बुरी और नाटी मतलब निषेध, निषेध जो बात उनको करना। तीसरा मात्सर्य ईर्ष्या, और चौथा अपनी प्रतिष्ठा की लालसा। तो जहां पर अपनी प्रतिष्ठा की लालसा आएगी वहां मात्सर्य हो ही जाएगा, और जहां मत्सर्य होगा वहां पर, जहां मात्सर्य होगा तो यहां पर ये अपनी प्रतिष्ठा की लालसा स्वतः ही उसके साथ जुड़ी रहेगी। एक तात्पर्य में है, लेकिन इसके अतिरिक्त अनर्थ भी चार प्रकार के हैं। आज इसी को सुन ले पहले। कौन से बोलते हैं, दुष्कृति उत्थ, सुकृति उत्थ, अपराध उत्थ और भक्ति उत्थ। दुष्कृति उत्थ अनर्थ, सुकृति उत्थ अनर्थ, अपराध उत्थ अनर्थ और भक्त उत्थ अनर्थ। जो इनके कारण उत्थ, जो खड़े हो गए, जो बाधा दे रहे हैं। दुष्कृति उत्थ क्या होते हैं, बोलते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, दुर्अभिनिवेश। अब इसको बड़े सुंदर रूप में श्री माधुरी कदमनी में वर्णन किया है इसी विषय को, क्योंकि अधोश्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और बीच में फिर अनर्थ निवृत्ति आती है ना। तो कह रहे हैं क्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब जो हैं ये पांच प्रकार के दुष्कृत्य उत अनर्थ हैं। फिर नाना प्रकार के भोगों के अभिनिवेश को ही सुकृत उत अनर्थ कहा गया है। नाना प्रकार के भोगों अभिनिवेश में ही विद्या के चार भाग बताए ना भागवत जी ने, कौन कौन से थे, विद्या चार और अविद्या पांच। विद्या कौन सी चार, अन्विक्षणी, वार्ता, तरई और एक रह जाता है हमेशा, ये चार भाग विद्या के बताए। नीति, नीति ठीक है, अन्विक्षणी, वार्ता, तरई और नीति, ये विद्या के भाग भागवत जी में वर्णन हुआ। और अविद्या पांच प्रकार की, तो ये दुष्कृति उत अनर्थ। फिर है सुकृति उत अनर्थ, वही अनर्थ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जब पूर्ण रूप से उसमें अविष्ट हो, अविष्टता हो जाती है तो सुकृति उत अनर्थ उत्पन्न होते हैं। सुनेंगे अभी, घबराओ नहीं, ध्यान से। कोई कोई इनकी गणना क्लेशों के अंतर्गत भी करते हैं। नाम अपराध को ही यहां पर अपराध उत अनर्थ समझना चाहिए। तो ये सब हाँ, तो यहीं पर बतला रहे हैं, जो अर्थ नहीं है उसे ही अनर्थ कहा गया है। अनर्थ वह है जो अर्थ ना हो। वास्तव में अर्थ क्या है, अर्थ का मतलब क्या है, यहां सद वस्तु, कौन सी वस्तु, वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु, शिवदम ताप त्रायन मूलनम। और अनर्थ क्या बोलते, जिसका कोई अर्थ नहीं हो वो है अनर्थ, जिसकी कोई सत्ता नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन वो कपड़ा पहन लिया गया है, जिसकी आवश्यकता नहीं वो कपड़ा पहन लिया गया। अब जैसे सबका अर्थ अलग अलग है, अर्थ का मतलब यहां पर प्रयोजन से भी है।
एक वृक्ष पर डाल पर, अब आजकल आम के सीजन है ना, सुंदर सुंदर फल लगे हो, बड़ा सुंदर आम लगा हो, बड़ा मीठा, तो वहां पर अगर चील आकर बैठ जाए, ठीक आम की डाल के ऊपर बैठी है, लेकिन वो आम खाएगी नहीं, वो नीचे ढूंढता है, चील नीचे ढूंढता है, कहीं चूहा मिल जाए, कहीं कुछ सांप मिल जाए, कुछ और कोई मांस टुकड़ा सड़ा हुआ गला हुआ कुछ मिल जाए, बस उसको, आम के ऊपर बैठी आम को नहीं खाएगी। अर्थ वहां पर है लेकिन उसका अनर्थ ही है, मीठा आम उसको रुचिकर नहीं। कौवा आएगा वो भी आम खाएगा नहीं, वो भी उधर उधर अपने खाद्य पदार्थ को ढूंढेगा। वो तो कबूतर आएगा, वो कबूतरी को देखेगा, भोग में रहता है, उसकी दृष्टि वहां रहेगी, आम पर नहीं रहेगी। लेकिन वहां पर एक शुभ पक्षी जब बैठता है, वो अर्थ जानता है, महत्व जानता है, और तुरंत क्या करता है, बस चौंच लगाएगा, और उस जैसे प्रत्येक प्राणी में, पशु पक्षी में भी कुछ भगवान ने ऐसा कुछ ज्ञान दे रखा है, एक समझ है। जैसे मधुमक्खी सार वस्तु को निकाल लेती है, वो अपने अर्थ को जानती है, पुष्प के भीतर से उसके सार को ग्रहण कर लेती है, सार ग्राही। भगवान के भक्त भी सार ग्राही। उसी प्रकार जो शुभ पक्षी है, उसको इतना ज्ञान होता है कि चारों तरफ आम लगे हैं, उसमें से कौन सा मीठा होगा, सूंघकर ही पता लग जाता है उसको, और कोई पक्षी नहीं है समझ पाएगा इसको। लेकिन इस पक्षी को इसका पूरा ज्ञान है, पूरी क्या बोलते हैं उसको, बॉटनी, हाँ बॉटनी का पूरा ज्ञान है, वनस्पति विद्या उसको पूरा ज्ञान है। इसलिए वो आम पर चोंच लगाएगा, उसका आस्वादन भी लेगा और अपना आस्वादन छोड़ भी देगा। इसलिए कहा, शुक मुखात अमृत द्रव्य संयुतम, पीवद भागवत रसमालयम, मुह रहो रसी का भूगी भाव का। एक बार पीने से हो जाएगा नहीं, बार बार मुह रहो मुह रहो मुह रहो रसी का भूगी भाव का। भावावस्था तक पान करते रहो, तो शुक पक्षी के कारण ये महत्व है उसका, वो अर्थ को जानता है। और हम लोग भोगवालसा, लौकिक हो या परलौकिक हो या फिर मुक्ति, भाई दुख से छुटकारा मिल जाए, अत्यंत दुख निवृत्ति, ये है अनर्थ। जो अर्थ ना समझा जाए वो है अनर्थ। अर्थ का साधारण, कह रहे अर्थ का साधारण अर्थ धन संपत्ति समझा जाता है। अर्थ का मतलब क्या समझा जाता है, अरे हमको कुछ अर्थ चाहिए, मतलब धन संपत्ति चाहिए। परंतु अर्थ का वास्तविक अर्थ परमार्थ वस्तु है, वास्तव वस्तु, ये चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं। अर्थ का वास्तव मतलब क्या, परमार्थ वस्तु, जो परमार्थ नहीं है वही अनर्थ है। जो परमार्थ नहीं वह क्या है, वही अनर्थ है। परमार्थ वस्तु क्या है, अब इस पर आ जाए, बोलते हैं श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की सेवा ही, यही वास्तव में परमार्थ है। श्री कृष्ण और उनकी प्रेममय सेवा, अर्थात श्री कृष्ण भक्ति की कामना को छोड़कर जो भी कामना है वह सब अनर्थ है। अब बताओ हम सारा दिन किसका संग करते हैं, अर्थ का या अनर्थ का। विपर्य स्मृति, ये सब जगह ये लागू होता है। भयम द्वितीय विनेश,
किसका संग करते हैं? बोलते हैं अनर्थ का, अर्थ का नहीं। भोगों की कामना दुर्वासना है जो समस्त अनर्थों का मूल है, यहां तक कि मुक्ति की कामना भी अनर्थ है। ये है अनर्थ का तात्पर्य, उसकी डेफिनेशन परिभाषा। तो अब दुष्कृति उत अनर्थ क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दुष्कृति अनर्थ अनर्थ क्या है? बोलते पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के फल से दुखजनक विषय में अभिनिवेश होना, राग, अविद्या और अस्मिता, ये पांच प्रकार के क्लेश हैं। ये दुष्कृति उत अनर्थ है। पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के फल से जो दुखजनक विषयों में हमारा अभिनिवेश हो जाता, पूर्व जन्मों में जो जो कर्म इत्यादि हुए उसका फल अब सामने आने लगा है, और उन फल के कारण उन विषयों में हमारा अभिनिवेश जो हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, द्वितीयभिनिवेश जो हो रहा है, और उसके कारण क्या होता है, और चीजें क्या, राग, द्वेष, अस्मिता, ये सब पांच प्रकार के क्लेशों का उद्गम आरंभ हो जाता है। उसका मूल कारण क्या बना, दुष्कृति अनर्थ, अनर्थ का क्या अर्थ हुआ, पूर्व जन्मों के कर्म के कारण जो भी भोग लालसा जो सामने आती है। बोलते ऐसे दुष्कृत्यों से होने वाले अनर्थ दुष्कृत उत कहलाते हैं। इसका सारांश ये है कि अनादि अविद्या ग्रस्त कृष्ण भैरुख जीवों की दुर्वासना के फल से देह दैहिक आदि में मैं और मेरा अभिमान, जड़ भोग वस्तु के प्रति राग या प्रीति, ये सब क्या है, वो तो ये दुष्कृति उत अनर्थ है। इसमें अभिनिवेश ही दुष्कृति उत अनर्थ है। लेकिन ये परेशान कहां करते हैं, तो वही चक्र ठाकुर जी कह रहे हैं भजन में, भजन करते समय वही संस्कार श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंग में बाधा प्रदान करते हैं, लय विक्षेप इत्यादि। कथा में ही ऐसी नींद आ गई, बाबा बस हो गया काम। वो तो सुंदर डल्लभ के गद्दे पे भी नींद नहीं आती, एसी भी चल रहा तो भी नींद नहीं आती, और कथा में क्या नींद आती, आहा, जब बैठे बैठे ही झोंके आने लग रहे। कथा भी चल रही है, सब लोग बैठे भी हैं, माइक भी चल रहा है, साउंड सिस्टम भी चल रहा है, और नींद क्या मजेदार है, आनंद की नींद आती है ना। तो यही बाधा है, जहां पर श्रवण कीर्तन में जो बाधा आए उसे दुष्कृति उत अनर्थ कहा जाता है। सेवा करने की रुचि नहीं, या फिर सेवा में बाधा आ गई, करना तो चाहते हैं हो नहीं पा रहा, शारीरिक कष्ट है या फिर मानसिक क्लेश है, करना तो चाहते हैं श्रवण कीर्तन परंतु हो नहीं पा रहा, यह है दुष्कृति उत अनर्थ। अब ये हमको उलझाते हैं कि नहीं उलझाते, तो ये तो अनर्थ है जो अर्थ का अनर्थ कर दे। दूसरा बताया सुकृति उत अनर्थ, पूर्व जन्म में किए हुए सत्कर्म या सकाम पुण्य कर्मों के फल से, अब ये भी बात है, दुष्कृति अर्थात पिछले जन्म में कुछ गलत किया, पाप इत्यादि किया, होता ही है जन्मों के एकत्रित होकर, वे दुष्कृति उत अनर्थ हमारे सामने आते हैं, जिसमें लय विक्षेप इत्यादि के द्वारा भजन करते समय भजन क्रिया में नाना प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, आलस्य, प्रमाद इत्यादि प्राप्त होता है, इसलिए भजन हो नहीं पाता, करने की इच्छा तो है हो नहीं पाता, तो ये बाधा है।
फिर सुकृति उत्थान अर्थ, पूर्व जन्म में किए हुए सत्कर्म या सकाम पुण्य कर्म के फल से अनित्य स्वर्ग आदि लोगों के भोग सुखों की कामनाएं होती हैं, उसे सुकृति उत्थान अर्थ कहते हैं। पूर्व जन्म में सत्कर्म किए, शुभ कर्म किए, किसलिए किए जाते हैं? स्वर्ग मिल जाए बस। स्वर्ग क्यों मिल जाए? आयु लंबी होती है और भोग मिलेगा, तो ये तो फिर करते जाओ और भोग मिलेगा, करते जाओ और भोग मिलेगा, और दान करो और भोग मिलेगा, इसका कोई था है? यही परस्पर चलता रहता है। पुनः चर्वित चर्विनाम, वही बस काम में कर्म, निष्काम में कर्म, उसी में रत रहना और कर लो सत्कर्म। जो भक्ति करने वाले, क्या वो सत्कर्म के पीछे भागते हैं? उनके लिए एक ही सत्कर्म है। जब नारद जी वृंदावन में भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य को गीता जी के श्लोक और न जाने कितने उच्चारण करके उनको चेतन अवस्था में लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विफल हो रहे हैं, और उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। तो नारद जी ने कौन सा सत्कर्म किया? दान पुण्य किया, भोजन खिला दिया, कंबल बंटवा दिया, ये सत्कर्म है क्या? इसी के खोज में नारद जी जल्दी जल्दी शीघ्र भाग रहे, जल्दी जल्दी भाग रहे, शीघ्र भाग रहे, और मार्ग में ही उनको चार कुमारों का दर्शन प्राप्त हुआ। बोलते हम जानते हैं वो सत्कर्म क्या है। मन ने दान अभिज्ञा रूप तपत, वो सत्कर्म क्या है? दान इत्यादि वह नहीं। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया? वह सत्कर्म है क्या? श्रीमद् भागवत कथा। तो नारद जी वही श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए हरिद्वार में चले गए। ये है सत्कर्म, यही है वास्तव वस्तु, और इसको छोड़कर सब फिर क्या है? अनर्थ। तो इसलिए सावधान रहकर किस पाप कर्म तो करना नहीं, सत्कर्म भी नहीं करना है। किस उद्देश्य से सत्कर्म नहीं करना? स्वर्ग आदि भोगों की प्राप्ति के लिए सत्कर्म नहीं। इसका मतलब ये नहीं भक्त लोग सत्कर्म नहीं करते तो असत करेंगे क्या, ये मतलब नहीं। मतलब क्या यहाँ पर? वास्तव में जो सत्कर्म है उसको किया जाता है, वास्तव में सत्कर्म, भागवत इत्यादि, भगवान और उनसे संबंधित वस्तु, ये है वास्तव में सत्कर्म। नहीं तो धर्म अधर्म, न धर्म न धर्मान श्रुतिग निरुक्त किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यम ही तनु। धर्म भी नहीं करना और अधर्म भी नहीं करना, दोनों नहीं करना, तो फिर करना क्या? बोले भगवान की सेवा, उसमें सब कुछ इंक्लूसिव है, उसमें सब कुछ आ गया, उसमें सब कुछ आ गया, प्रसाद वितरण, क्या ये सेवा नहीं है? हमने गरीब को भोग लगाया, ओ खाना भोजन कराया, तो हमने ठाकुर जी को भोग लगा कर खिलाया, और एक ही तो बात है पेट भरना, नहीं, वो सत्कर्म था, वो पुण्य कमाने के लिए किया गया था, और ये सुकृति उत्पन्न करने के लिए किया गया था। अंतर है, भेद है, एक ही क्रिया से। इसलिए स्वर्ग आदि, स्वर्ग आदि का मतलब लौकिक सुख भी मिलते हैं पूर्व जन्म के किए हुए सत्कर्म के फल स्वरूप, दान दक्षिणा इत्यादि सब करने से संसार के ऐश्वर्य सुख मिलते हैं। अरे बड़ा आदमी बन गया, छोटे से काम शुरू किया था, भारत का सबसे धनी व्यक्ति बन गया,
यहाँ काम करता था, पेट्रोल पंप पे काम करता था, वो क्या बन गया? साधारण कैसेट बेचता था, अरे पूरी कंपनी खड़ी कर दी, ऐसी खड़ी कर दी, मेहनत से हुआ, परिश्रम से हुआ। अच्छा, जब इतना सब मिल गया तो होगा क्या? और भोग, और मिलेगा, और भोग, और मिलेगा तो और भोग, फिर संसार के भोग भी लगते हैं, अब ये तुच्छ हो गए, स्वर्ग आदि भोग की प्राप्ति, तो और दान दक्षिणा तो और भोग। ये है सुकृति उत अनर्थ, जहां पर भोग को समाप्त करना है, ना कि भोगों को अर्जन करना है। दुष्कृति उत अर्थ और सुकृति उत अनर्थ, फिर क्या कह रहे हैं? अपराध उत अनर्थ, अपराधों से जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं उन्हें अपराध उत अनर्थ कहते हैं। ये अपराध उत अनर्थ ही प्राय भजन के प्रबल विघ्नकारी होते हैं, ये प्रबल रूप से विघ्नकारी। दूसरे जो हैं वो अष्टकम पाठ करने से, नाम इत्यादि करने से, भगवान की सेवा करने से चले जाते हैं, लेकिन अपराध वाले ये बड़ी कठिन है, कठिनाई है। इसलिए ग्रंथकार इन अनर्थों के विषय में विशेष रूप से विवेचन करते हैं। पाप और अपराध एक ही अर्थ वाले लगते हैं लेकिन है नहीं। पाप किया और क्या किया? अपराध किया, दोनों एक ही है, लगता एक जैसा है लेकिन दोनों अलग अलग है। भक्ति शास्त्र में पाप और अपराध में बहुत भेद देखा गया। भजन के अभास मात्र से ही जलती हुई आग में, एक आग जल रही है वहां पर रुई का ढेला फेंक दो, कितनी देर लगती है जलने में? एक क्षण में ही ध्वंस हो जाएगी, जल जाएगी वह रुई। किंतु वह पाप भजन क्रिया की अवस्था में ही वह पाप तुरंत जलकर भस्म हो जाते हैं, परंतु अपराध स्वयं स्वतः और सहज रूप से ध्वंस नहीं होते। अपराध इतनी जल्दी ध्वंस नहीं होते। तो अपना अपराध स्वीकार कर तीव्र अनुताप से ही अपराध का प्रायश्चित संभव है। कैसे करके? अनुताप करते हुए। मुत्तुल्य नास्ति पाप अपराधम अपराध न कश्चिन, अरे मेरे जैसा पापी नहीं मिलेगा आपको प्रभु, ये नहीं, मेरे जैसा कीर्तन वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरे जैसा पकवान बनाने वाला कहीं नहीं मिलेगा, मेरे जैसा कथा करने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये ना बोलकर क्या बोलना, मेरे जैसा पापी नहीं मिलेगा। मेरे को लज्जा आती है आपके सामने क्षमा मांगते हुए भी, कितनी बार मांगू। रूप गोस्वामी जी श्लोक को उद्धृत करते हैं। तो अपराधी व्यक्ति के लिए वह संभव पर नहीं होता। अब क्या क्या है सुन लो। किसी प्राणी की हत्या, चोरी, व्यर्थ बकवाद, पर नारी गमन, कठोर भाषण, दुष्ट आचरण, दुराचार, दूसरों के धन आदि को हड़पना, दूसरों को दुख देना, दूसरों की बुराई करना, शराब पीना, मांस अंडा आदि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करना, ये सब स्मृति शास्त्र में पाप कहे गए हैं। ये सब पाप हैं। इनको भी फिर 9 श्रेणियों में विभक्त किया गया। पाप भी फिर 9 प्रकार के हैं। अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, संक्रीगण, अपात्रीकरण, जाति भ्रंशकर, भ्रंशकर, मलावह और प्रकीर्ण। बाबा 9 प्रकार के तो पाप ही बता दिए। ये श्रेणियां हैं, कैटेगरीज हैं। हाँ, ये 9 भागों में, श्रेणियों में पापों को विभक्त किया गया, जो ऊपर उल्लेख किए मैंने पढ़ा। लेकिन
ये कैसे दूर होंगे? एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश। प्रेमे उदय है प्रेमेर विकार, स्वेद कंपुलक आदि गदगद अश्रुधया अश्रुधार। कह रहे एक शुद्ध कृष्ण नाम के अभास के फल से, अभी शुद्ध नाम नहीं, उसके अभास के फल से ही समस्त पापों का विनाश हो जाता है। जैसे निवार निवार एहरी भास्कर, सूर्य उदय होने पर अंधकार अपने आप छट जाता है, कोरा छट जाता है, अंधकार दूर चला जाता है उसके अभास मात्र से। अभी सूर्य उदय हुए नहीं, अभास मात्र से ही अंधेरा चला जाता है और कोरा भी छट जाता है। केचित कवल्य भक्तया वासुदेव प्रायणम, इस श्लोक में बताया गया सुखदेव गोस्वामी जी ने। तो इसलिए उसके शुद्ध नाम के अभास के फल से ही समस्त पापों का विनाश हो जाता है। और तत्पश्चात प्रेम के कारण भक्ति प्रकाशित होती है। प्रेम के उदय होने पर स्वेद कंप पुलक गदगद अश्रुधार धारा प्रेम के विकार उदित होते हैं और अन्यास ही उसका संसार नष्ट हो जाता है। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है अभास मात्र से। ये तो पाप की बात बताई, अपराध की बात क्या बताई? बोलते अपराध पाप की अपेक्षा अत्यंत गुरुतर या भीष्म होता है। पहले जो बताया चोरी हत्या ये सब अपन, हाँ क्या, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन ये पाप है, लेकिन फिर अपराध की श्रेणी क्या है? वो तो ये बड़ा भीषण होता है। उसकी क्रिया साक्षात रूप से आत्म को अनावृत करती है। किसकी क्रिया? अपराध की, ढक जाती है और वहीं से फिर क्या अपराधों का क्रम आरंभ हो जाता है। भक्ति पथ का अवलंबन कर कोई व्यक्ति जब श्रवण कीर्तन आदि भक्तों के अंगों का अनुष्ठान करता है तब उन श्रवण कीर्तन आदि आत्मा या चिद वस्तु है, तब उनके श्रवण कीर्तन आदि आत्मा या चिद वस्तु है, वे आत्मा के उद्देश्य से अनुष्ठित हुआ करते हैं। पुनः इसके विषय भगवान भक्त नाम श्रीधाम आदि सभी चिद वस्तु हैं। इनके प्रति प्राकृत बुद्धि द्वारा अवज्ञा अनादर ये सब बुरे कर्म ही अपराध हैं। किनके प्रति? बोलते भगवान भक्त श्री नाम श्री धाम। तो धाम अपराध और क्या, नाम अपराध, सेवा अपराध और वैष्णव अपराध, ये अपराध श्रेणी में आएगा। भगवान से संबंधित वे अपराध है और जहां पर शारीरिक संबंधित है वे पाप है। इसलिए अनात्म वस्तु संबंधी निंदने कर्म ही पाप है और आत्म वस्तु संबंधी निंदने कर्म अपराध है। जहाँ पर यही कहा तो साधारण भाषा में शरीर से जो किया जाए और शारीरिक स्तर पर जो हो वो पाप है, परंतु जहाँ पर आत्मा के स्तर पर जो किया जाता है पाप वही अपराध है। आत्म वस्तु के संबंध में भगवान और तदीय वस्तु, उसमें भक्त भी आ गए, नाम भी आ गई, हरि कथा भी हो गई। हरि कथा सुनना इससे क्या होगा? पुण्य मिलेगा। अरे वहाँ भागवत ही दो दिन जाना है, पुण्य मिल जाएगा। हरि कथा नहीं सुनेंगे पाप होगा? नहीं, अपराध होगा। पाप नहीं, ये अपराध है। हरि कथा सुनने से पुण्य नहीं भक्ति मिलेगी। ये आत्मीय वस्तु है, आत्म से संबंधित वस्तु है, तो उससे पुण्य वुण्य नहीं मिलता। पुण्य तो आंशिक रूप में मिल ही गया और चाहिए भी नहीं। किसको?
जो भक्त कथा सुनने के लिए ही आग्रह करता है और सुनने की इच्छा कामना करता है, वो भक्ति को अर्जन करने के लिए कथा श्रवण करता है, पुण्य कमाने के लिए नहीं। और उसी प्रकार कथा का अनादर करना भी पाप नहीं है, क्या है? अपराध है कथा का अनादर। कथा हो रही है, सुनूंगा नहीं। नाम जप होगा, सुनूंगा नहीं। क्यों? मेरे को अपने शरीर का देखरेख करनी है ना, इतने घंटे तो सोना ही है, मेरे को नियम बनाना है, और इस घंटे में तो सोना ही सोना है, इतने बजे मेरे को खाना ही खाना है, कुछ भी हो जाए। क्यों? शरीर तंदुरुस्त रहेगा तभी तो भजन होगा। तो इतने वर्ष से शरीर तंदुरुस्त रखे, भजन कब होगा? अरे पहले ठीक तो हो जाए। वो आज तक क्या, कभी तक ठीक नहीं होगा। आज तक से कभी तक, कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए वो एक उदाहरण सुना था बहुत वर्ष पहले, भागवत में भी कभी कभी उसको कहते हैं। एक राजा को बीमारी थी। क्या बीमारी थी? दवाई खाने की। सुनाया था ना, दवाई खाने की बीमारी। नए नए डॉक्टर को रोज बुलाता कि आ जाओ भाई, हमारी नब्ज देखकर बताओ कौन सी दवाई खानी। और डॉक्टर को भी पता है राजा थोड़ा सा सनकी है। सनकी, संकीर्ण भी है और संकी भी है। तो नब्ज देखकर बता देते, अरे आपको तो बहुत परेशानी है। बोलते हाँ हाँ पकड़ में आई, हाँ पकड़ में आई, तो दवाई दो। बस दवाई दी, हाँ बड़ा आनंद खाने, दवाई खाने में बड़ा आनंद। और एक दिन कोई ऐसी सद कोई वैद आ गया, नब्ज देखी और बोलते हैं महाराज आप तो बिल्कुल भले चंगे तंदुरुस्त हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा बीएमआई कर दिया नब्ज पकड़ गई। कि बीएमआई क्या होता है? बीमा नहीं, बॉडी मास इंडेक्स। बोले बिल्कुल चकाचक। बोलते मूर्ख कहीं के, डॉक्टरी पढ़ी कभी? मेरे को इतनी परेशानी है, सब समय बाहर में रहता हूँ और कह रहा कुछ है नहीं, ठीक से देखो नहीं तो दंड दूंगा। तो डॉक्टर समझ गया इसको कौन सी बीमारी है, इसको कौन सी बीमारी है? संकीर्ण बीमारी है। तो वैद्य हाथ देकर, नहीं नहीं महाराज एक में कुछ पकड़ में आ रहा है, कुछ पकड़ में आ रहा है ना, हाँ 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 अब समझ आया। बोलते महाराज दवाई बीमारी पता लग गई। कौन सी बीमारी? बोलते जब आप सोते हो ना, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। बोलते हाँ ये तो सही पकड़ा तुमने, जब मैं सोता हूँ आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, सच में अब बात हुई ना, सही पकड़ा। बोलते एक और बीमारी है, हाँ जल्दी से बताओ। एक मिनट महाराज देखने दो। हाँ एक और बीमारी पकड़ में आ गई, जब आप भोजन कर लेते हो भूख नहीं लगती आपको, जब अच्छे से भोजन कर लेते हो ना आपको भूख नहीं लगती। बोलते हाँ ये भी ऐसा भी होता है। बोलते अब ये हुई ना बात, सही पकड़ा, दवाई बताओ। बोलते बस एक ही पूड़िया खानी है, बस एक ही। बोलते मैंने पूरी शक्ति लगा दी इसमें, एक ही पूड़िया। बोलते हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इनको पैसा दो, सिपाहियों को बोल दिया। लेकिन एक मिनट वैद्य जी, कोई परहेज भी तो बताओ, ऐसे थोड़ा, अब इसमें भी परेशानी है, परहेज भी कुछ चाहिए कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सन की है। बोलते परहेज, अच्छा हाँ ये दवाई का असर तब समाप्त हो जाएगा जब आप किसी ऊँट को याद करोगे, बस यही परहेज है। ऊंट याद में नहीं आना चाहिए, स्मरण नहीं होना चाहिए। ऊंट यदि याद आ गया तो दवाई का असर खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा धन्यवाद आपका। बस राजा बड़ा उतावला हो रहा है, कल खाली पेट सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही खाना है। जैसे पुड़िया खोली
खाने लगा, डॉक्टर ने कहा था, वैद्य ने कहा था ऊँट याद नहीं करना, ले ऊँट तो याद हो गया। ऊँट याद करते ही दवाई का असर खत्म हो गया, तो अब क्या खाना, कल खाएंगे। अगले दिन फिर जब खाने लगा, ऊँट याद नहीं करना, अरे भाई फिर ऊँट याद कर लिया। अब सारा दिन बड़ा विचार किया, कुछ भी हो जाए, रात को सोया भी ये विचार करके कि ऊँट स्मरण नहीं करना, ऊँट याद नहीं करना। सुबह सुबह जो उठा, पूड़िया खाने लगा, मंत्री आके कह लगे, महाराज ऊँट तैयार है, आज कितने बजे सवारी में जाएंगे। बोलते मूर्ख, तेरे को इसी समय आकर ऊँट याद दिलाना था। फिर पूड़िया रह गई। अब सबको बोल दिया, देखो मेरे पास कोई आए ऊँट स्मरण नहीं कराना। बोलते वो क्या रहस्य, अरे तुम नहीं समझोगे। चौथे दिन विचार किया, ये इनको पता है मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, आज मैं देरी से उठूँगा, कोई आएगा ही नहीं, ऊँट की बात कोई करेगा ही नहीं। रात को सोच कर विचार करके सोया। सुबह उठा देरी से, सूर्य उदय हो चुके, पूड़िया खोलने लगा तो खिड़की खोली, सामने ऊँट चलते हुए दिख गए। अब राजा है ना बोलते लो फिर ऊँट दिख गया। 6-7 दिन बीत गए, दवाई नहीं खाई, तो वैद्य आया और आकर बोलने लगा, बोलते महाराज कैसे हो। बोलते भैया दवाई नहीं खाई, दवाई नहीं खाई, लेकिन लग कैसा रहा है। बोलते लग तो हल्का हल्का रहा है, बिना दवाई खाए। बोलते हाँ, कोई अच्छी से दवाई दो, अभी तक आंखों के आगे अंधेरा आता है सोते समय, और अभी तक भूख नहीं लगती भोजन के बाद। तो वैद्य सोचने लगा, भाई इसको कौन सी बीमारी है, तो कौन सी दवाई दी जाए। एक साधारण सा उदाहरण है, लेकिन यही एक बीमारी है। कहाँ से उठाई थी बात, बस ऊँट में रह गए। रोग है कि शरीर ठीक होगा तभी भजन करूंगा, जब शरीर ठीक रहेगा तो कथा सुनूंगा, शरीर ठीक होगा। महाराज जी क्या बोलते थे, इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम, 100 जोड़ हैं इसमें, पत्यत पश्नम परिणाम पेशनम, किम औषधि पृच्छे से मूढ़ दूढ़ मते, निरामयम कृष्ण रसायन पिबो। कृष्ण रसायन, भवंति हित कर्ण रसायन कथा, उस रसायन का। इसलिए कथा में ना आना अनादर है, ये अपराध है। नाम जब कीर्तन के समय में नहीं आना, ये भी अपराध है। तो पाप और अपराध का यहां पर भेद है ना। लेकिन भक्ति राज्य में भक्त होकर वही अपराध, वही पाप कभी कभी अपराध में परिणत हो जाते हैं, वही पाप ही अपराध। और इस कारण से क्या होता है, तबे जानो अपराध आचे प्रचुर। नाम करते समय रुचि नहीं होना, और तदशम सारम हिदे वितेतम यद गृहनाम नाम देव, हृदय वज्र के समान कठोर हो गया, और नेत्र से एक बूंद अश्रु भी प्रवाहित नहीं होते, तब जानो अपराध आचे प्रचुर। बड़े प्रचुर अपराध एक भरे पड़े हैं स्टोर में, वेयर हाउस में, जिस कारण से नाम करते करते मेरे को उस नाम में प्रेम नहीं, उसमें रुचि भी नहीं होती। करना पड़ता है इसलिए कर रहा हूँ, करना पड़ेगा, एक नियम है, नहीं तो अरे क्या नाम है? आज अगर गुरुजी आकर बोल दें, बेटा तुम्हारी सिद्धि हो गई, अच्छा चलो अच्छा ही हुआ, हम नाम करने का झमेला नहीं रहा, फिर एकादश भी करने की जरूरत नहीं, सिद्धि हो गई।
हरि कथा सुनने का भी समाप्त हो गया, क्यों? सिद्धि तो हो गई। महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी को कहा कि आपके नाम में सिद्धि हो गई, नाम छोड़ा, तो क्या कर्तव्य बुद्धि से नाम किया था? भगवान सनातन गोस्वामी जी को कह रहे हैं कि अब आप गोवर्धन की परिक्रमा मत दीजिए, वृद्ध काल आ गया, कष्ट होता है, छोड़ा, परिक्रमा देना। भजने वस्तु के प्रति आसक्ति और भजने वस्तु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, ये एक विशेषता है। इसलिए ना पाप और ना पुण्य, ना धर्म और ना अधर्म, सब समय एक ही कार्य, एक ही क्रिया चलती चली जाए, क्या नवविधा भक्ति का पालन, श्रवण कीर्तन स्मरण, बस इतना ही, रसोई इत्यादि करने की जरूरत नहीं, वैष्णव सब सेवा करने की आवश्यकता नहीं, श्रवण कीर्तन स्मरण ही यही उत्तम भक्ति है भाई, यही तो स्वरूप सिद्धा भक्ति है, बाकी सब संग सिद्धा है, ऐसे ही है। वह संग सिद्धा भी आवश्यक है, तब कहीं जाकर वास्तविक श्रवण कीर्तन स्मरण, उसमें रुचि, उसमें अनुभूति, और वही साध्य है। नाम को मात्र साधन ही कह दिया गया क्या? साधन का मतलब आज साधन किया फिर छोड़ दिया, क्यों? साध्य वस्तु प्राप्त हो गई। नाम साधन है और नाम ही क्या है? साध्य है। सिद्ध भूमिका में भी, प्रेम अवस्था में भी वो नाम छोड़ा नहीं जाता, वहां पर नाम ही एकमात्र संबल हो जाता है। प्राण छूट रहे हैं परंतु नाम नहीं छूट रहा है। जहां पर श्री कृष्ण भी और श्री राधा जी और समस्त ब्रजवासी भी एक संबल, एक वस्तु को पकड़े हुए हैं, क्या वो तो नाम ही, तो श्री कृष्ण भी तो राधे राधे नाम उच्चारण ही करे, तो राधा जी भी तो कृष्ण कृष्ण ही तो उच्चारण करें, समस्त गोपियां भी तो और समस्त ब्रजवासी ही तो, जहां पर मयूर, शुक इत्यादि, हिरण इत्यादि, ये सब उस नाम का ही तो आश्रय लें, क्योंकि गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, उस लोक का धन ही हरि नाम है। और हमारे इस लोक का धन क्या है? वो तो धन पैसा है, प्रॉपर्टी है इत्यादि, गोलोक का जो धन है। इसलिए हमारे भक्त जन, हमारे गुरु जन, आचार्य चरण, वे सब उस नाम में धनी हैं, उस गोलोक के धन में धनी हैं। ऊपर से किसी साधु महात्मा को भले देख लो, ये तो डोर कोपिन पहने हुए घूम रहा है, अरे इसके पास क्या है? इसके पास वो है जो बड़े बड़े लोग आके इसकी चरण धूल को अपने मस्तक में धारण करते हैं। कौन सा धन? वो तो इस संसार का नहीं, गोलोकेर प्रेम धन, गोलोक का प्रेम धन उसके पास है, उस लोक का प्रेम धन है। तो वो उस लोक का धनी है और इस लोक का जो धनी वो उस लोक का निर्धन है। उस लोक का निर्धन है मतलब उस लोक का दरिद्र है, समझ आई बात? उस लोक का जो धन क्या है? होते प्रेम धन, नाम संकीर्तन। इसमें यह धनी है, परंतु यहां का जो सबसे धनी व्यक्ति, पूरे संसार का, हमारी पृथ्वी का सबसे धनी व्यक्ति, जो भी आप लोगों को पता ही होगा, यहां का तो धनी है लेकिन उस लोक का
सबसे दरिद्र व्यक्ति है, सबसे दरिद्र। और सुदामा जैसे भक्त ऊपर से भले ही निर्धन दरिद्र दिखें, परंतु वास्तव में धनी है। कृष्ण नाम में, कृष्ण प्रेम में वह महाधनी है, महाधनी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा माधव की जय। Thank you.
राधा माधव जो की जय। समस्त रूपानंद गौरी कृष्ण की जय। जय। हरिनाम संकीर्तन की जय।